नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं मनविंदर और मेरी चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का अभिवादन करती हूं, सभी का खैर मकदम करती हूं। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे इन दिनों शबनम सुर्खियां बटोर रही है, लेकिन क्यों? इसलिए क्योंकि उसने 7 खून किए हैं। लेकिन ऐसी ही हरियाणा की सोनिया की भी कहानी है, उसने भी 7 खून किए। उसको भी जेल में जाकर के एक बेटा होता है और उसने भी अपने पति के साथ मिलकर के खून किए और शबनम ने भी अपने प्रेमी के साथ मिलकर खून किए और दोनों महिलाओं को लोअर कोर्ट, अपर कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन लेकिन एक महिला ऐसी भी है जिसने इन दोनों महिलाओं से कहीं ज्यादा खून किए, कहीं ज्यादा उसका बड़ा अपराध है, लेकिन वो उस समय फांसी की सजा नहीं, उम्र कैद काट रही है। ये लेडी किलर कौन है? इसका नाम क्या है? इसने किस तरीके से महिलाओं को एक एक करके उनकी हत्या की, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। आप पूरी वीडियो देखिएगा। और एक और बात, अपने देश में एक बहुत बड़ी समस्या कहें, बीमारी कहें, कुछ भी कह सकते हैं इसको, दुखों से भागकर सुख पाने का कोई शॉर्टकट रास्ता मिल जाए, कोई जादू की छड़ी मिल जाए, ये हर किसी की ख्वाहिश होती है। अभी तक शॉर्टकट की राह दिखाने वाले पुरुष हुआ करते थे, लेकिन अब इसमें महिलाओं की भी एंट्री हो चुकी है। और आपने अक्सर देखा होगा कि मंदिरों के बाहर ऐसी महिलाएं बैठी रहती हैं जो आपके दुख दर्द दूर हो जाए, सुखी रहने के आशीर्वाद देती हैं, लेकिन कई बार यही महिलाएं आपको झांसा दे करके आपकी लाइफ बदल देती हैं, आपकी लाइफ में तहलका मचा देती हैं। इन्हीं महिलाओं में से एक रही है साइनाइड मिलकर, जो सबकी परेशानी दूर करने का दावा करती थी। इतना ही नहीं, वह इस परेशानी को इस तरह से दूर करती थी कि दोबारा कभी वो औरत अपनी जिंदगी में लौट ही नहीं पाती, क्योंकि वो उन्हें मार देती थी। ये दुनिया की उन महिला सीरियल किलर में शामिल है जो लोगों को पैसे के लालच में मारने के सारे तरीके अपनाती है। पैसों के लालच में इसने सारी हदें पार कर दी। साइनाइड मल्लिका का नाम केडी कैम्पम्मा है। इनका नाम साइनाइड मल्लिका इसलिए पड़ा क्योंकि वो औरतों को साइनाइड खिला करके मारती थी। मल्लिका की तरह वो जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन मल्लिका की शादी हो जाती है एक बहुत ही मामूली से टेलर के साथ। वहाँ ये मुमकिन नहीं था कि वो मल्लिका की तरह जिंदगी जिए, वहाँ उसको सादी जिंदगी जीने पे मजबूर होना पड़ा। उसने एक साधारण सी जिंदगी से निकल करके एक बेहतर लाइफस्टाइल के लिए एक नए सफर की शुरुआत की। इससे पहले उसने कई काम किए जिसमें वो सफल नहीं हो पाई। ये भी कहा जाता है कि उसने घरों में काम भी किया, मेड भी किया, मेड का काम भी किया और बहुत सारी दुकानों पे सेल्स गर्ल का भी काम किया, लेकिन उसको सबसे आसान लगा मर्डर व चोरी करने का रास्ता। परेशान महिलाओं को वो पहले अपना शिकार बनाती थी, फिर मंदिर के पास बैठ करके आने वाली महिलाओं को देखती रहती थी, उनसे बातें करती थी, उनके दुख दर्द सुनती थी, उनसे पूरी बात करती थी, उन्हें विश्वास दिलाती थी कि वो उनके सारे दुख दूर कर सकती है। ऐसे में वे महिलाओं को एक सुनसान जगह पे बुलाती थी पूजा करने के लिए और साथ में ये भी हिदायत देती थी कि वो पूरा सज धज के आए जिससे कि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, और गहने पहन के आए, पूरा श्रृंगार करके आए, सज धज के आए और अपने साथ में किसी को ना लेकर के आए। और वो बहुत जोर दे के कहती थी कि अगर आपके साथ कोई आएगा तो आपकी पूजा पूरी नहीं होगी और जो भी आप पूजा करने जा रहे हैं उसका आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। और पूजा करने के बाद वो उन महिलाओं को प्रसाद देती जिसमें साइनाइड के कैप्सूल को मिक्स किया होता था, जिसे खाते ही महिलाएं मर जाती हैं। इसके बाद उनके गहने, पैसे, कपड़े सब मल्लिका के। जब साल 2007 में लगातार दो औरतों की लाशें मंदिर के पास सुनसान जगह पे मिलती हैं तो पुलिस अलर्ट हो जाती है, क्योंकि उनके मरने का तरीका भी एक जैसा था, उनके शरीर से गहने और कीमती चीजें गायब थी। जब पुलिस ने मल्लिका से इन कत्लों के बारे में पूछा तो उसने कई महिलाओं को इस तरह से मारा, ऐसा उसने बताया। इसके बाद कोर्ट द्वारा
आपने अक्सर देखा होगा टीवी सीरियल में, फिल्म में, कि मंदिरों के बाहर ऐसी महिलाएं बैठी रहती हैं। और ऐसी ही जो मल्लिका थी, उसने अपनी जिंदगी शुरू की और फिर वो पहुंच जाती है जेल में। और जेल में पहुंचने के बाद उसको, पहले तो उसको फांसी की सजा सुनाई गई, उसके बाद उसको उसकी सजा जो है उम्र कैद में तब्दील कर दी जाती है। और बहुत ही दिलचस्प बात है कि साइनाइड मल्लिका पे कन्नड़ में एक फिल्म भी बनी है जो अभी पिछले महीने ही रिलीज हुई है। इस फिल्म को गुरु ने लिखा और डायरेक्ट किया और पूरी कहानी जो है साइनाइड मल्लिका के जीवन पे आधारित है। यहाँ मैं दोस्तों आपको एक चीज बता दूं कि शबनम पर भी फिल्म बनाने के लिए बॉम्बे से कई टीमें आईं, लेकिन उनको कैमरे पे और कैमरे के बिना शबनम से बात करने की इजाजत नहीं दी गई। खैर, जो साइनाइड मल्लिका पे फिल्म बनी वो पिछले महीने रिलीज हो चुकी है। क्योंकि उसके अपराध इतना बड़ा था, उसको पहले फांसी की सजा दी गई, बाद में उसकी सजा उम्र कैद में बदल दी गई। और अपने देश में फांसी की सजा बहुत बड़े अपराध में ही दी जाती है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। यही अपराध हरियाणा की सोनिया ने किया, लेकिन बाद में एक नाटकीय घटनाक्रम में उसकी सजा भी उम्र कैद में बदल गई। अब बचती है शबनम। शबनम को भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट अपराध मानते हुए उसको फांसी की सजा सुनाई गई है। और सजा का आदेश जो है वो बरकरार है। हालांकि शबनम ने अपील की राष्ट्रपति को, वो खारिज हो गई। अब उसकी अपील पेंडिंग पड़ी हुई है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के पास, उस पर अभी कोई निर्णय नहीं आया है। और मैं एक बात आप सब लोगों से कहना चाहती हूँ कि मेरे कमेंट बॉक्स में हजारों हजार लोग ये बात कहते हैं कि शबनम को फांसी नहीं होनी चाहिए, आप शबनम को फांसी नहीं दीजिए। तो मैं उनको सम टाइम कमेंट करके बताती हूँ कि ये जो फैसला है ये कोर्ट को लेना है। और सैकड़ों लोग ऐसे भी हैं मेरे व्यूअर्स जो ये चाहते हैं कि शबनम को उसके की सजा मिलनी चाहिए। और एक और बात आपसे कहना चाहती हूँ कि फांसी की सजा तो उसको सुनाई जा चुकी है, केवल उसको एग्जीक्यूट करना है। और जो शबनम के पास विकल्प हैं, ऑब्वियसली वो उनको यूज कर रही है। अब सारी बातें भविष्य के गर्भ में है कि शबनम का क्या होगा, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप को अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं फिर मिलती हूँ आपके साथ किसी और नई खबर के साथ, नई कहानी के साथ, किसी नई किस्से के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत।